तो गाइज आज हम जा रहे हैं गुड मॉर्निंग घर से। मैं भूल जाता हूँ बार बार गुड मॉर्निंग करना, ठीक है। वैसे भी गुड मॉर्निंग क्या ही करनी, सबको पता है क्या बोलते हैं, सुबह हो चुकी है, सब अपने काम धंधे पे निकल चुके हैं। वैसे भी आज शिवरात्रि, हैप्पी शिवरात्रि सभी को। हमारे यहाँ थोड़े मंदिर पे भीड़ से लग रही है। ये सामने हमारा मंदिर है और भाई बहुत भीड़ है यहाँ पर। तो ये मंदिर हमारा, तो आज हम जा रहे हैं थोड़ा घूमने गाड़ी से। थोड़ा इसमें काम करवाना है, स्पीकर का ख़राब हो गए हैं और ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस थोड़ी सी देखते हैं क्या बाकी सारे काम। ये मंदिर की भीड़ थी हमारे यहाँ की, सामने पुलिस वाले भी हैं। यहाँ पर हर फेस्टिवल या फिर जो भी हिंदू धर्म का त्यौहार होता है या फिर मुस्लिम धर्म का, नहीं वैसे तो ज़्यादातर हिंदू धर्म का त्यौहार होता है, मतलब हमारा ये हमारे यहाँ की पुलिस सारा मतलब हर उसको यूपी पुलिस हर फेस्टिवल को सम्मान देती है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, ठीक है। तो आज हमारा हिंदू धर्म का एक फेस्टिवल सा ही है, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि। तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर दंगे ना हो जाए या किसी के बीच में लड़ाई ना हो जाए, यहाँ पर थोड़ी सावधानी बरती जाए और क्या नाम है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमारे यहाँ पर पुलिस भी रहती है मंदिर पे। तो मैं हमारे देश की पुलिस को बहुत ही बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा जो हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखती है। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सॉरी थोड़ा बीच में अटक गया था, थोड़ा जानने वाले मिल गए थे तो इसी वजह से। To wear your seat belt for a safe drive. आज हमारे यहाँ काफी क्या बोलते हैं, रोड में ऑर्डर मेंटेन। To wear your seat belt for a safe drive. हाँ भाई लगा लेंगे सीट बेल्ट, पहले रोड पे तो आने दे, हम भी रोल जानते हैं सीट बेल्ट लगाना, हम भी रूल के सब चलते हैं। बस काफ़ी मतलब सेफ्टी फीचर इंप्रूव कर दिए हैं गाड़ी के अंदर। चलिए थोड़ा दोस्त भी चलेगा हमारा, एक मेरा मित्र है सखा अमर यादव, वो भी चलेंगे तो उनके घर आके चालू करते हैं वीडियो। सखा आ चुका है, बाहर खड़े हैं ये मंत्री बन के, ये थोड़ा वाले हवा में रहते हैं। ये है हमारा दोस्त, आ जाओ, क्या हाल है? बढ़िया भैया, तुम बताओ। बस काट रहे हैं आपकी दुआ से टाइम। बिस्कुट खाओ। ये हमें बिस्कुट खा रहे हैं, देखिए गाइस हाइड एंड सीक, अब तो ये भी साले ब्रांडेड हो गए हैं। चलिए थोड़ा नोएडा तक जा रहे हैं काम से, अब ये चला है, अब ये रिकॉर्डिंग करेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डर है हम। मैं थोड़ा गाड़ी चलाने भी कर देता हूँ। चलिए मिलते हैं गाइस, क्या नाम है, अब हम आ चुके रोड पे, बस थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं रहा है। अरे ये टेम्पो वाले भी भाई साहब भाड़ देते हैं बीच में। और बताओ अमन क्या हो रहा है? हाँ जी यार, ये बस भाई बलेनो है, खत्म गाड़ी। मारुति की गाड़ी आराम से, बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं होती मारुति की, एकदम टीन की तरह होती है, कट कट बजती है। वही चीज मैं कहने वाला था, इसमें मारुति बलेनो डब्बा है, टीन का डब्बा। लेकिन नहीं, अपने लाइफ में बलेनो भी क्या बोलता है राज करती है अपने सेगमेंट में। जो भी हो, मिडिल क्लास की पहली पसंद मारुति। ये बात भी है, वैसे हम भी मिडिल क्लास में आते हैं, कौन सा रिचा है, लेकिन वो तो दिखाई देता है। ये पंच निकाली है किसी ने, नहीं अब टाटा भी ग्रो हो चुकी है हमारी, टाटा की मार्केट को बहुत ग्रो हो चुकी है। इंडियन टाटा का टाटा मजबूत गाड़ी है भाई, सही है। वैसे टाटा अच्छे मतलब अपने सेगमेंट में बहुत अच्छा राज कर रही है। ये गाइस हमारे यहाँ की एक मूर्ति चौक था, मैं बताना भूल गया आपको, सॉरी। ये हमारे यहाँ का पड़ता है, ये गौतम बुद्ध नगर पड़ता है हमारे यहाँ। ये यहाँ पर आज शिवरात्रि की वजह कितनी भीड़ है,
तो उस दिन से जब से गाड़ी धुलवाई थी हमने, आप सभी को पता है जिसने वीडियो देखी मेरी गाड़ी वॉश गाड़ी कार वॉश वाली, उस दिन से आज निकली पहली बार गाड़ी हमारी। तो गाइज ये है हमारा चार मूर्ति कुल चक्कर पा चुके हम, अब आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, क्योंकि हम तेज नहीं चलाते गाड़ी को, बहुत सेफ्टी से साथ चलाते हैं, पूरी सीट बेल्ट वीट बेल्ट लगा रखी है हमने। आपसे भी अनुरोध है मेरा कि रोड पे चलें तो दो हेलमेट बाइक पर लगाएं, और गाड़ी से चलें तो अपने चार पहिया वाहन को सेफ चलाएं, सीट बेल्ट लगा के चलाएं, और पूरी ही भगाएं नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट बात भगाएं नहीं, क्योंकि अगर आप भगाएंगे तो कुछ ज्यादा भग जाएंगे आप। धन्यवाद। देखिए गाइस ये चल रहे हैं साइड में रॉन्ग साइड संभालने के, आज कल के मतलब चलिए आप क्या चलिए आपके कार नहीं ले सकते हैं तो बाइक पे इतना सामान लोड लेके ना चले कृपया करके, क्योंकि आपका जो फिक्स जिस भी इंसान ने फिजिक्स पढ़ रखी होगी वो बता सकता है कि अगर ज़्यादा स्पेस घेरेगा हवा अगर काट नहीं पाएगा बाइक तो डिसबैलेंस हो जाती है हवा की वजह से, हवा का प्रेशर जो लगता है बाइक पे। तो गाइज हमारा काम हो चुका है कंप्लीट, और हम जा रहे हैं वापस घर, वीडियो आ जाएगी आपके चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आप इस टाइप की और वीडियो चाहते हैं स्कॉर्पियो की या R5 की या गाड़ी वाड़ी का रिव्यू, अभी तो मैं गाड़ी का रिव्यू डाल नहीं पा रहा हूँ, अफसोस, आपसे माफी मांगना चाहता हूँ इस वजह से। नेक्स्ट टाइम अगर रिव्यू गाड़ी रिव्यू अगर आपको गाड़ी का रिव्यू देना है, ऑनरशिप रिव्यू का एक मतलब झलक देखनी है कि भाई कौन सी गाड़ी एक ऑनर के हिसाब से ठीक है, आपके पर्पज़ के हिसाब से ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं कि कुछ वीडियो में या फिर कैसी वीडियो लाऊं तो कमेंट करें।
तो गाइस अब हम आ चुके हैं फाटक पे। क्या हमने अमन पहले वाली वीडियो में फाटक दिखाया था? नहीं नहीं, हम उधर से आ गए थे। चढ़ाए गए इस बार यहाँ से? अरे सॉरी यार। अरे यहाँ तो भयंकर सीन हुआ पड़ा इधर का। यूटर्न लेना पड़ेगा, ऑफ रोडिंग हो जाएगी इधर ले गया तो। ऑफ रोडिंग हो जाएगी यहाँ पर, लेकिन मैं अपनी गाड़ी से कोई ऑफ रोडिंग करना नहीं चाहता हूँ। हल्की फुल्की कर लेगी, लेकिन वहाँ पर कुछ ज्यादा चढ़ाई ज्यादा चढ़ाई 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 तो चढ़ लेगी। महिंद्रा के इंजन पे शक नहीं, और खासकर स्कॉर्पियो पे। लेकिन दिक्कत ये है कि वहाँ पर गड्ढे भी हैं, तो अगर ये कहीं ब्रेक में लग गए तो फिर वो उल्टी आ जाएगी भाई गाड़ी। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपनी गाड़ी से ऑफ रोडिंग टाइप करूँ कुछ। तो गाइस अब हम आ चुके अपने फाटक पे, और माइलेज देखो हमारा, और अपने स्कॉर्पियो निकाला है 18.6 का माइलेज। इसमें तेल भी डलवाना है, तेल थोड़ा खत्म हो चुका है इसका, तो तेल पे ज्यादा ध्यान मत दे गरीब गरीब। की बोतल रे नीले नीले। तो गाइस ये हमारे यहाँ इस ये क्या है, ये हमारे यहाँ पुल बन रहा है और ये बन के ही नहीं दे रहा है, और ये कम से कम तो 2-3 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। 4-5 साल हो गए यार, 2-3 साल से ऊपर। 4-5 साल हो गए, वो एक साल बाहर रह के आया हो ना।